और बटवे के अंदर कितने पैसे हैं? 1,00,000 1,00,000 रुपया। तो ये पूछना था कि आपको कोई तरीके या कोई ऐसे टोटके बता सकते हैं जिससे लड़की की हाइट लंबी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार मैं अभी जा रहा था क्लास लेने, तो घर में कोई नहीं था, तो मैं ताला लगा रहा था, वो ताला में चला गया। अंकल समझे कोई चोर मोर आ गया। हाँ भाई, अंकल हमारे घर पहुँच गए। मैंने अंकल जी नहीं, मैं खुद हूँ। तो मैं अभी इस ताले की वजह से क्लास से भी लेट हो गया, तो अभी दस्ते निकलते हैं क्योंकि क्लास 11:30 बजे और अभी 11 से ऊपर हो गया टाइम। जी अभी क्लास लेने आ गए थे, ब्रेक हुई है। बड़ा शुगर ले गया हमारे भाई जान। भाई आपको सर ने कहा क्या अगले क्लास में क्या करना है? क्या सर का लाया रहा? सर ने आपको कहा क्या अगली क्लास में क्या करके आना है? पानी पानी आना है। सर का लीगल एडवाइजर बन गया। अभी हम चलते हैं ज़रा बाहर, थोड़ा सा मजे चीजें करते हैं यार, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आखिरी साल रह गया, तो थोड़ी बहुत मौजें मारनी चाहिए। क्यों मार भी? मुझे मारनी चाहिए। तो अभी चलते हैं जरा बाहर बिजनेस स्कूल के, क्योंकि आते हुए लेट हो। क्लास के टॉपर है माशाल्लाह से फहद भाई, सेकंड टॉपर। फहद भाई आप अपना जीपीए कैसे मेंटेन रखते हैं? जीपीए यार आसान तरीका है। किस तरह हमें बताएं? क्लास में सिर्फ अटेंडेंस करो। हाँ क्लास लो, बंक ना मारो। बंक ना मारो, बंक ना मारो, क्लास लो, आपका जीपीए जीपीए आ जाएगा। सुन लो ये टिप्स। और ये देखें अभी यूनिवर्सिटी है, अभी हम जा रहे हैं एक्सिस ब्रेक से पहले ही वापस क्लास में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उमर? इससे बटवा रहे हैं। और बटवे के अंदर कितने पैसे हैं? 1,00,000 1,00,000 रुपया। इस बंदे की हालत देखो, एक 1,00,000 रुपया छोड़ा है बैग में। अभी जाके देखते हैं, पहले क्लास से इसका परिचय रख लेते हैं, फिर 1,00,000 रुपया बैग में छोड़ गया था। यार उर्दू में बोलो ना, व्लॉग बन रहा है क्या? ओ ये ले मेरे बेटे, वो कह रहे हैं ये ले मेरे बेटे, ले ले 10 रुपए। मेरी ब्लॉगिंग का सदका हो गया। क्यों बन गया तू? उसे भी प्राइज लिए जा रहे हैं, ये भाईजान ले रहे हैं। तो चलते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया, वापस ब्रेक खत्म हो गई है, क्योंकि पैसे बंदा घर बैग में भूल आया था, तो फिर हमने लिए नहीं। बंद कर क्यों बंद करूँ? पहले सेशन में तो आपका भाई आया ही लेट था, दूसरे सेशन में भी लेट हो गया इसकी वजह से। दुआ करो सर ना आए हो क्लास में। है उमर, दुआ करो सर ना आए हो क्लास में। जाते हैं देखते हैं। जी अभी क्लास ले चुके हैं, क्लास लेने के बाद फ्री हो चुके हैं, तो अभी आके हम बैठे हैं इस टाइम पे एक्सी में। और मेरे साथ हैं उमर भाई। उमर भाई आप यहाँ पे क्या करने हैं? बस हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, किसी का इंतजार कर रहे हैं जो आज 7वां सेमेस्टर है, अभी तक इंतजार ही हो रहे हैं, यही बात है। ये देखें वहाँ बैठी है, हम बेचारे सिंगल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी। देखें यूनिवर्सिटी पढ़ते हुए, बहरिया जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए भी हम लोग सिंगल। मैं तो सिंगल खुश हूँ, तुम क्यों मेरे को मुझको क्यों ला रहा है तू? आप खुश हो? हाँ मैं सिंगल खुश। उमर भी कह रहे हैं मैं सिंगल खुश हूँ। अभी यहाँ पे हमारा एक और दोस्त बैठा था, वो चला गया, उससे पूछते हैं वो सिंगल है डबल है, उससे भी आपको मिलवाते हैं अगर वो आता है। कोई रेड बुल का सीन भी चल रहा है यूनिवर्सिटी में। ये देखें यहाँ पे स्किन वगैरह हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाम काफ़ी बैठी हुई है। और अभी हम जाते हैं अपने मशहूर व्लॉगर की तरफ, बहरिया के मशहूर व्लॉगर मेहदी। मैं सादा सा बंदा हूँ, मैं कोई व्लॉगर श्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है ना? तुमने क्या मुझे मशहूर? साथ में प्रॉपर्टी डीलर भी हैं भाई, आजकल मैं ही बन रहा हूँ। अगर फायर शेल जमीन चाहिए मेरे से रहा। हाँ नहीं नहीं, मुझसे भी रब्ता करें आजकल। मैंने जान अंडरस्कोर नीचे 12 इंस्टा पे रब्ता कर, इंस्टा पे लाहौर स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी की पाइलों लेनी हो तो मुझसे रब्ता करें। लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेरे पास भी है, सारों का रब्ता जो जो आप लेने रब्ता करें। ये देखें यार यहाँ पे आवाम इस टाइम पे। तो मेहदी भाई आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? हाँ प्यारे आ रहे हैं, जा रहे हैं सुबह 8:30 से लेकर 2:30 तक क्लासेस थी। चलें ठीक है भाई, आप भी चला गया तो भी फिर भाई आपका आगे जिम, ये पीछे देखें बास्केटबॉल, वो मेरा भी दिल कर रहा है थोड़ा सा खेलूँ, लेकिन देखते हैं अभी, क्योंकि मैं प्रॉपर उसमें नहीं हूँ, मेरे पास ट्राउज़र नहीं है, तो बाहर से आके मैम निकाल देती हैं। ये भी टेबल टेनिस खेलने के बाद यहाँ बास्केटबॉल खेला जा रहा है, और ये हमारे जाहिद भाई। ओहो नाइस,
करने लगा मेरी बारी है, पहले जाहिद भाई मेरी वीडियो बना रहे हैं। नो, एक और ट्राई। अभी इस टाइम पे ना मैं जिम से जरा खेल के आया तो आगे मुझे मिल गया उमेर भाई, सिंगर। उमेर भाई आप ये बताएं, जिंदगी कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी की? पांचवें सेमेस्टर में पहुंच गए, अभी भी सिंगल घूम रहे हैं आप? यार पांचवें में आ गए, वही पुराने चेहरे बार बार देखे। माहौल सुबह होता है, मतलब नए चेहरे सुबह दिखते हैं, बट अब सीनियर्स हो गए ना तो शाम को क्लासेस शाम को होगी। अभी हम किधर जा रहे हैं? शाम में वो वाला मजा नहीं जो दिन में। हाँ लेकिन आगे आगे आएगा। हाँ इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं जरा डीन्स। बस आपसे आपसे अपील है, मेरे लिए दुआ करें ताकि ठीक है, समझ गए। तो चले अभी चलते हैं जरा डीन्स जाके बैठते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। अभी इधर आके बैठे हैं डीन्स कैफे में। यकीन करें उमेर ने कुछ ऐसा दिखा दिया, जज्बात बदल गए, ऐसे साथ बदल गए। उमेर दिखाओ। नहीं 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 आपको नहीं दिखा सकते, बहुत गंदी। ये देखिए इतनी गंदी चीज है, वो भी शर्मा गया। कसम से यार, बस ना पूछे। आपने अफसोस किया मीडिया पढ़ के। यार मीडिया स्टडीज मैं आगे बता नहीं सकता कुछ। बस ना उमेर भाई का एक क्वेश्चन है, तो ये सारे बैठे हैं। उमेर भाई एक कोई क्वेश्चन है पूछने लगे हैं, जल्दी पूछो यार। यार मैंने अपनी ऑडियंस से ये पूछना था कि आपको कोई तरीके या कोई ऐसे टोटके बता सकते हैं जिससे लड़की की हाइट लंबी हो सकती है? तो आपने किसको लंबा करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट देख लो, तुम्हारा दोस्त खराब हो रहा है। तो आप कमेंट करें जो भी आपके पास टोटके या सॉल्यूशंस है, फिर मैं पढ़ूंगा सबको। यहाँ पे कमेंट भी कर ही ना दे करा लेना भाई जान। मैंने अभी जाना सीधा सीधा ऑफिस, यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं, और उमेर भाई को उतारना मेट्रो पे, तो इनको मेट्रो पे उतारते हैं और खुद चलते हैं सीधा ऑफिस। आजकल वैसे भी लेट तक खुला होता है। तो भाई जान के आपने आंसर लाजमी देना है यार इनके क्वेश्चन का, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हाइट। बिल्कुल अशद ज़रूरत है, इनको पता नहीं क्यों जरूरत है, क्योंकि एक इनका दिल आ गया किसी पे, वो कोई कोडू सी है, ठीक है, इस वजह से। चलें चलते हैं अभी। अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, तो अभी मैं यहाँ बैठे हैं श्याम भाई पीछे हैं यार। श्याम भाई का जो कद है वो 6'2" है, तो अगर उमेर का आंसर ये भाई दे सकते हैं। उमेर कहते हैं यार लड़कियों लड़कियाँ कैसे कद बढ़ा सकते हैं, तो मैंने कहा ये बंदा भी हमारे पास, इसका भी अच्छा वाला कद है। तो श्याम भाई आप बताएं आपका कद कैसे इतना? यार खाना क्या है जी जी बताए ना, खाना खाने से होता है। बाकी आपका खानदान, मतलब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स लंबे होने चाहिए। ओके बाकी हाँ, अगर पेरेंट्स ही 5'5" के होंगे या इतने के होंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे कितने होंगे। शहबाज भाई भी हमारे पास बैठे हुए यहाँ पे, और यहाँ पे शहाब भाई भी आ रहे हैं। ये शहाब भाई भी आ गए। शहाब भाई आप ये बताएं आपका कद कैसे माशाल्लाह इतना बड़ा? यार मेरे पेरेंट्स का कद जो है पहले ही बहुत अच्छा है। तो देखें यार पेरेंट्स पे बच्चे जाते हैं तो ये जीन्स का असर होता है। ये उमेर के जो है ना क्वेश्चन का आंसर है। तो उमेर भाई आप उदास ना हो, उनका कद बड़ा करवाने की कोई तरकीब ढूंढते हैं हम। चलें जी अभी ऑफिस में थोड़ा शुरू होगा लोग यहाँ पे भी, तो अभी चलते हैं जरा घर की तरफ। तो मैं जिसकी वजह से आया तो बंदा यहाँ बैठा हुआ नहीं है। तो ये हमारे फनी भाई हैं यार, बड़े ही फनी है। अच्छा हम भाई शुगर लगाते हैं। ये देखें अभी भी चले जी, अभी निकलते हैं घर। अच्छा हम भाई भी जाने लगे हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग कहीं पे करते हैं, यकीनन आपको मजा आया होगा। और जो क्वेश्चन उमेर ने पूछा उसका आंसर काइंडली देने की कोशिश कीजिएगा कॉमेंट में। तो तब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।